दिखाते हुए चले जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं शुगर बादाम। हेलो गाइस, नमस्ते, जोजो लप्पा, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग कुक विथ प्रधान सिस्टर्स। र आज चाहिँ हामी हाम्रो यो ब्लॉग चाहिँ हिन्दीबाट स्टार्ट हुन्छ है। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कुक विथ प्रधान सिस्टर्स में। आप लोग हम जा रहे हैं, हम हमारा दोस्त है जितेश जी, उसके घर में जा रहे हैं और हम आपको ब्लॉग बना के दिखाएंगे, क्योंकि कमेंट में आया है आप लोग हिंदी से भी करिएगा ब्लॉग बोलकर, इसलिए हम लोग अब जो भी ब्लॉग होगा वो हिंदी से करेंगे, फिर उसके बाद बीच बीच में नेपाली भी बोलेंगे, इसलिए हम लोग को तो आप सपोर्ट करिए। मेन रीज़न क्या है, उन लोगों को नेपाली समझ में नहीं आता है, उन लोगों को हिंदी समझ में आता है, इसलिए हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। उनके घर जा रहे तो हिंदी में ही बात करेंगे, थोड़ा वो उनके घर बिहार में भी देखेंगे, तो इसलिए हमको हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए बोला है, तो आज से हम हिंदी में ब्लॉग कर रहे हैं। अभी हम निकलने वाले पर बारिश हो रहा है बाहर बहुत सा, देखिए आप लोग देख सकते हैं। बारिश के कारण हम लोग रुक रहे हैं, इसलिए बारिश के कारण अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, सब लोग बारिश को देख देख कर वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा बारिश रुकने के बाद हम लोग चले जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं खड़गपुर के लिए, उन्होंने हम लोग को आज इनवाइट किया हुआ है, तो अभी हम चलते हैं। बारिश होने के कारण थोड़ा सा रास्ता भी गीला गीला सा हो गया है, सब भीग गया है देखिए। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो आपको रास्ता में दिखाते हुए चले जाएंगे, तो अभी हम बाद में मिलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं खड़गपुर के लिए, रास्ता बहुत खराब, एकदम ये गोपाली मंदिर और आश्रम है, जो अष्टमी कल है, कल यहाँ पे पूजा होगा, बड़ा बहुत बड़ा पूजा होगा ना यहाँ पे। किसी दिन आप इधर का ब्लॉग, इधर का भी ब्लॉग बनाएंगे। शिवरात्रि भी होता है, हम लोग आते हैं शिवरात्रि में भी यहाँ पे। हम लोगों का दीदी जीजा जी अभी नहीं आ रहे है, वो लोग कहाँ पे मालूम नहीं। थोड़ा थोड़ा सा हमारा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बीच बीच में गलत होने से हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा। क्या होता है, काली मंदिर, काली माँ का मंदिर है,
गई थे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी झंडे लड़ रहे हो। कितना पुराना क्वार्टर होगा ये। तो गाइस अभी हम चलते हैं, हम लोग पहली बार आए हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। थोड़ा ये क्वार्टर पुराना लगे, रेलवे क्वार्टर है सब। इधर भी लिखा हुआ है शुभ लाभ। इधर भी हमारा वाणिज्य वतीज। नमस्ते भाभी, हेलो। देखिए इधर भी, इधर भी। यस यस देख सकते हैं वो कितना अच्छा बजाता है। आनू ने पहले से बजाओ ना, वो जो पहले बजाया था ना वो बजाओ ना। कैसा लगा? अच्छा लगा, ये शुगर फ्री है, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा है, ओरिजिनल दूध का बनाया हुआ है। दो दिन लगा भाई जी को, दो दिन लगा बोल रही है। हम लोग को तो नहीं आता कैसे बनाते, सिर्फ खाने में अच्छा लगता है। तो अभी हम भाभी जी की किचन में एंट्री कर रहे हैं। क्वार्टर तो बहुत बड़ा ही है, तो आप लोग देख सकते हैं भाभी जी का किचन पूरा फैला हुआ है। तो अभी हम कॉफी बना, मतलब भाभी हम लोगों को कॉफी बना के खिलाएंगे। तो कॉफी वो कैसे बनाते वो, मतलब ऑटोमिना क्या कंपनी का वो, उसका बेनिफिट हम आपको बताएंगे। तो अभी हम ये साउथ कोरिया का, तो अभी हम ये कॉफी पीने जा रहे हैं। पहले हम बनाएंगे ये ऑटोमी कंपनी का अरबिका ब्लैक कॉफी है। ये कॉफी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट है। तो क्या क्या बेनिफिट है तो देखिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑटोमी कंपनी का, ये साउथ अरेबिया का है। जी जी रखे। तो हम अभी ये अच्छा वाला मीठा मीठा शुगर फ्री है, शुगर फ्री कॉफी पीएंगे। कॉफी पीने से तो नींद चला जाता है ना, पर ये एंटी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन वाला कॉफी है। नो रिस्क फॉर शुगर। हमने ये पी लिया, थोड़ा टेस्ट कर लिया। इसका बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। एक ही घोट पीने से नींद सिंपल टिप। शुगर बादाम है बोलम।
कभी बहुत मीठा खाने को मिलता है, कभी इतना ज्यादा तीखा मिलता है। तीखा मुँह 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 पानी भी तीखा हो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे एक क्वार्टर के छत में आए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से यहाँ का नजरिया देख, हम लोग आपको नजरिया दिखाते हैं यहाँ छत से। तो अभी भाभी वो चाशनी बनाने जा रही है। बोलिए तो बोल दीजिए भाभी क्या क्या किया है आपने इसमें। अभी वो गैस पे पानी आधा लेकर चढ़ाई, उसमें 50 ग्राम ये क्या उसको बोलते मिश्री और इलायची दाना डाली और वो चार केसर, इसको गर्म होने के लिए छोड़ो। उसके बाद अब इसको रसगुल्ला तैयार को ना 10 मिनट तक इसको मसलना पड़ेगा, वो ब्रांड नहीं होना चाहिए ना, इसको पूरा 10 मिनट तक लगातार तो यहाँ पे भाभी जी सूजी डालने जा रही है, थोड़ा गीला हो गया है बोल तो बोल दीजिए। एक एक कर कर उबाल होने लगा उसमें डाल रसगुल्ला छोड़ेंगे और इसको ढक कर 10 मिनट तक नहीं देखेंगे, 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है। हमारा रसगुल्ला बन के 10 मिनट बाद उबल रहा है अभी। तो गाइस अभी इसको उबलने में लगभग 40 मिनट लगेगा, वो 40 मिनट के बाद ये खाने के लिए रेडी होगा। तो गाइस अब 40 मिनट लगेगा इसको पकने में, तो 40 मिनट के बाद वो रसगुल्ला खाने के लिए रेडी होगा। तो हम लोग 40 मिनट के बाद वो मीठा मीठा रसगुल्ला खाएंगे, तो बाद में मिलेंगे। देखिए भाभी जी का रसगुल्ला बन के रेडी हो गया है, देखिए बहुत सॉफ्ट बन गया है। देखिए ब्राउन राइस ऐसा होता है, ये ब्राउन राइस है। मुंह पकोड़े ना खाइए कि नहीं, दोनों खाइए मिलाकर। बाबू उसको दो ठो दीजिए नीला। तो अब देखिए हम लोग अब खाने जा रहे हैं इडली सांबर ब्राउन राइस यू ब्राउन राइस सांबर को चटनी के मिलो बेटा नहीं आया बाबू बढ़िया बनाए बढ़िया। 15 मिनट्स लेटर प्रोडक्ट, अब इसको हम लोग खोलेंगे अनबॉक्सिंग। ये साउथ कोरिया से आया है, हाइड्रेट क्रीम है, स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। और ये है एब्सोल्यूट एटॉमी एब्सोल्यूट, अरे वाह बहुत ही हाई। सर जी थोड़ा आप समझा दीजिए अच्छा रहेगा। लास्ट वाला लास्ट में सर समझेंगे। और ये भी एटॉमिक क्रीम ठीक है। तो अभी हम क्या वाला बताइएगा क्या हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम आप लोगों से एंड करते हैं, बाद में मिलेंगे बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।